हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 41 ऑफ योर एसेंशियल इंग्लिश बुक. दिस इज योर चैप्टर नंबर 7, ट्रू फ्रेंडशिप. टुडे वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. वर्ड मीनिंग्स, ग्रैब, GRAB, ग्रैब. ग्रैब मीन्स टू कैच, पकड़ना. स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच मीन्स होता है टू स्क्रैप, खरोचना. रोर, ROAR, रोर मीन्स टू मेक अ लाउड साउंड, जोर से चिल्लाने की आवाज़. साउंड मने आवाज़, लाउड मने जोर से. रोर होता है दहाड़ने की आवाज़ को रोर कहते हैं. सोक, SOAK, सोक. बिकम वेरी वेट, मतलब बहुत ही गीला हो जाना, उसे क्या कहते हैं, सोक. सैंक, SANK, सैंक मीन्स होता है वेंट स्लोली डाउन टू द बॉटम, धीरे धीरे करके बॉटम में नीचे जाना, इसे कहते हैं सैंक. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके उस पर राइट मार्क करना है. नंबर वन, द टॉर्टॉइस लिव्ड इन अ. टॉर्टॉइस कहाँ रहता था, किस में रहता था, डेन में, पॉन्ड में या रिवर में? कहाँ रहता था, पॉन्ड में रहता था, तालाब में रहता था. नंबर टू, द फॉक्स ऑफन वेंट थ्रू अ फॉरेस्ट. फॉक्स अक्सर जंगल के रास्ते कहाँ जाया करता था, टू अ विलेज नियर बाय इन सर्च ऑफ. जंगल के रास्ते फॉक्स गांव की तरफ जाया करता था, क्या सर्च करने के लिए, फूड, वाटर और हिज फ्रेंड्स. लेसन में हमने रीड किया था कि जो फॉक्स है वो फूड के लिए, भोजन पाने के लिए गांव की तरफ जाया करती थी. नंबर थ्री, द लेपर्ड ग्रैब्ड द. लेपर्ड ने किसको पकड़ा, फॉक्स, टॉर्टाइज और बोथ, बोथ ए एंड बी. तो टॉर्टाइज को, लेपर्ड ने टॉर्टाइज को पकड़ा था. बी पर आप राइट का साइन लगा देंगे. नंबर फोर, हु हैड डाइड एट लास्ट. लास्ट में कौन मरा, फॉक्स, टॉर्टॉइस, सॉरी, फॉक्स, टॉर्टॉइस और नन. हमने एंड में देखा कि एंड में टॉर्टॉइस और फॉक्स दोनों ही बच गए थे, उनमें से कोई भी नहीं मरा. तो सी वाले ऑप्शन पर आप राइट लगाएंगे. पार्ट बी, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. करेक्ट ऑप्शन पर राइट का साइन लगाएंगे और जो सेंटेंसेस रॉन्ग हैं उन पर क्रॉस लगाएंगे. नंबर वन, द फॉक्स मेट मैनी अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. फॉक्स फॉरेस्ट में, जंगल में दूसरे कई सारे जानवरों से मिलता था. तो ये जो स्टेटमेंट है वो लेसन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो इसके सामने गिवन बॉक्स के अंदर राइट लगा देंगे. नंबर टू, द टॉर्टॉइस डिड नॉट सी द लेपर्ड कमिंग. टॉर्टॉइस ने लेपर्ड को आते हुए नहीं देखा, क्या ये करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जब टॉर्टॉइस और फॉक्स आपस में बात कर रहे थे तब टॉर्टॉइस ने देखा था लेपर्ड को पीछे से आते हुए. नंबर थ्री, द शेल ऑफ द टॉर्टॉइस वाज वेरी सॉफ्ट. जो टॉर्टॉइस का कवच था वो बहुत ही सॉफ्ट था, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जो टॉर्टॉइस का शेल होता है वो बहुत ही सख्त होता है, इस पर आप क्रॉस कर देंगे. नंबर फोर,
द टॉर्टॉइज सैंक टू द बॉटम एंड डिड नॉट कम अप फॉर मैनी डेज। टॉर्टॉइज जो था वो पानी में बहुत नीचे चला गया और कई दिनों तक बाहर नहीं आया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ओके, आज आप इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप बुक में सॉल्व करिए। ओके, हरे कृष्णा।